इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत आज भी जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। जातिवादी मानसिकता भारत के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। जातिवाद और छुआछूत सब समाज के माथे पर एक कलंक है। जातिवाद के कारण इंसान के प्रति न केवल असंवेदनशील बन जाता है बल्कि दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगता है। इसके कारण भारत विशेष रूप से हिंदू समुदाय को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दुनिया में भारत को ज्ञान और अध्यात्म की भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत ने अपने आध्यात्मिक प्रकाश से पूरे दुनिया को प्रकाशित किया है, तो क्या दुनिया को प्रकाशित करने वाला भारत खुद जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के अंधेरे में डूबा हुआ है, या इसके पीछे कुछ और भी कहानी हो सकती है? आइए निम्नलिखित विश्लेषण से जानते हैं हिंदू धर्म में छुआछूत और जातिगत भेदभाव का असली सच। हजारों साल पुराने इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक काल और प्राचीन भारत में कभी छुआछूत जैसी समस्या नहीं रही, ना ही जातियां भेदभाव का कारण होती थी। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो शांतनु ने की थी मछुआरे की पुत्री से शादी। प्राचीन संस्कृत महाकाव्य महाभारत में शांतनु नामक एक महाप्रतापी राजा का वर्णन मिलता है। महाराज शांतनु हस्तिनापुर के क्षत्रिय सम्राट थे। उन्होंने एक निषाद कन्या से सत्यवती से विवाह किया था। यह उनकी दूसरी शादी थी। इस विवाह के लिए सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही महाराज शांतनु का उत्तराधिकारी होगा। अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए देवव्रत ने राजगद्दी पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी और बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। निषाद कन्या सत्यवती और महाराज शांतनु के दो पुत्र हुए जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कालांतर में दोनों ने क्षत्रिय राजा के रूप में हस्तिनापुर पर शासन किया। पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के रचयिता वेदव्यास भी निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र थे, यानी कि मछुआरे थे। बाद में वह ऋषि बन गए और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की थी। वह गुरुकुल भी चलाते थे। दासी के गर्भ से जन्मे विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री कौरवों और पांडवों के चाचा श्री और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। शास्त्रों वेदों और राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञानी विदुर ने विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। भीमसेन ने हिडिंबा से विवाह किया था जो कि राक्षस प्रजाति की थी। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण का संबंध दूध का व्यवसाय करने वाले यादव समुदाय से है। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपालक थे और बलराम कृषक। बलराम हमेशा अपने पास हल रखते थे, इसलिए वह हलधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। पिछड़ी जातियों में शुमार अहीर व यादव कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। यादव वैदिक क्षत्रिय रहे हैं। कई प्रांतों पर इनका शासन रहा है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण को अपने नाव में बिठाकर गंगा पार कराने वाले निषाद राजगुह और श्री राम एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे और उनके गुरु भी एक थे। भगवान श्री राम के जुड़वा पुत्र लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े थे जो वनवासी थे। वाल्मीकि समुदाय के लोग जिन्हें सबसे ज्यादा जातिगत भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा है, भगवान वाल्मीकि को ईश्वर का अवतार मानते हैं तथा इनके वंशज होने का दावा करते हैं। प्राचीन भारत की बात करें तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी जो नाई जाति से थे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ऐसे विशाल साम्राज्य सत्ता किसी गैर कुलीन के पास था। महापद्म नंद के बाद इस वंश में उग्रसेन धनानंद आदि राजा हुए। यह सभी क्षत्रिय कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके महान मौर्य राजवंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना में आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी जो कि ब्राह्मण थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था जो कि एक निम्न जाति से थे। मध्यकाल की बात करें, भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण होने लगा तथा भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। बाद में 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य का उदय हुआ
छत्रपति शिवाजी महाराज कुनबी जाति के थे, कुनबी एक कृषक जाति है।